नमस्कार इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे हमारे बहुत ही उम्दा शेयर सेल अथॉरिटी इंडिया के बारे में। अगर आप देखें स्टॉक में तो क्या हमारे अपकमिंग टारगेट्स और अपडेट नेक्स्ट रह सकते हैं, उसके बारे में करेंगे चर्चा। अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर आपको एक लेवल्स दिख रहे होंगे, जिस तरीके का पैटर्न हमारे सामने था ये बना एम पैटर्न। आपने अगर यहां पर अच्छी खासी लेवल्स की जानकारी होगी तो आपने यहां पर सेलिंग बनाई होगी और एक ट्रेडिंग बेसिस पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना होगा। बट कहीं ना कहीं हम इसको एक कंटिन्यूएशन का पैटर्न नहीं मानेंगे जिससे कि गिरावट ज़्यादा हो, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें इस लेवल पर सस्टेनेबिलिटी दिखी है। ठीक है, तो जिस तरीके की सस्टेनेबिलिटी हमें इस लेवल पर देखने को मिल रही है, देखिए एम पैटर्न में इस तरीके से कह सकता हूँ आपको, ये गया ये गया ये गया ये, अगर यहाँ पे ये लेवल्स भी ब्रेक होते हैं तो हमें गिरावट कंटिन्यू देखने को मिल जाएगी। आपको जो वेट करना है वो ये है कि 77.70 रुपीज़ का लेवल अगर ब्रेक होता है, डाउन साइड में रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो इसको टच ना करती हो, तो आपको गिरावट भी देखने को मिल जाएगी और अच्छा खासा वॉल्यूम भी हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि हमारा कन्फर्मेशन हो जाएगा और गिरावट के जो मुझे आसार लग रहे हैं वो हो सकते हैं। बट अगर हमें फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो ट्रेंड आपको दोबारा से देखने को मिल जाएगा, देन इसका पैटर्न जो चेंज होकर बनेगा उसको हम दोबारा से एक बार कंसीडर करेंगे। सो फिलहाल के लिए हमारे पास ये लेवल्स रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए अगर ब्रीच होता हुआ दिखता है इन द अपकमिंग टाइम तो हमें गिरावट देखने को भी मिल सकती है। बिकॉज अगर हम देखें मोमेंटम काफ़ी अच्छा था निफ्टी बैंक निफ्टी बाकी मार्केट का, बट कहीं ना कहीं स्टॉक हमें अच्छा खासा मोमेंटम नहीं दिखा पाया। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी स्टॉक के साथ। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।